मैं हिसाब से 3 घंटे 12:30 बजे साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या होती है। 9 से लगभग 12:30 बजे तक वो लोग फॉरेस्ट की पोस्ट में रहते हैं, 10 से 12 पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद रहते हैं। री इन्फोर्समेंट की कोई बात नहीं होती है, पुलिस वाले भीड़ के हवाले कर देते हैं। 2 संत हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, उनको बच्चा चोर कहा जाता है। 3 घंटे में पुलिस वालों ने लोकल ग्राम वाले जिनको वो जानते थे उनको ये नहीं समझाया कि भैया भगवा कपड़े वाले साधु हैं, जाने दो इनको। देखिए दीपक जी, उस पोस्ट पे जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स थे उनके इस रवैये पे पूरा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। और अब आप ही बोल रहे हैं सर, अब आप ही बोल रहे हैं, वही सवाल, प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है तो इसका निराकरण क्या हुआ? तो मैं, आप सुनेंगे दीपक जी, आप सुनेंगे, पूरी बात हो देने दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ और वहां पे सस्पेंशन ऑर्डर्स हुए हैं, जो जहां पे ऐसा लगा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी किसी भी कॉन्स्टेबलरी के माध्यम से या पुलिसकर्मी के माध्यम से हुई, वहां पे सस्पेंशन हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई है, वहां का जो स्टेशन SHO जिसको बोलते स्टेशन हाउस इंचार्ज था उनको वहां से तबादला कर दिया गया है, जो SP थे उनको फोर्स लीव पे भेजा गया है वहां से। अब मैटर पालघर पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए महाराष्ट्र की CID इंक्वायरी उसकी कर रही है और CID ने चार्जशीट फाइल करी है उसके अंदर। तो आप इस बात के संदर्भ में निश्चिंत रहिए कि वहां पे संतों की हत्या हुई है, किसी भी प्रकार का लूज इन्वेस्टिगेशन वहां पे नहीं हो रहा, जो कल्प्रिट है उन कल्प्रिट को कन्विक्शन तक लेके जाया जाएगा। सर कन्विक्शन तक ले जाया जाएगा, मर्डर की सजा सस्पेंशन, मर्डर की सजा ट्रांसफर, सर ये तो गजब का इंसाफ है। अरे एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं, देश में कोई कानून है, पुलिस का कोई एक्ट है, मैट का एक्ट होता है जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकार में, यहाँ पे सस्पेंशन का है और इंक्वायरी का उन्होंने किया है, आप ऐसे ये मतलब इमोशनल चीजें क्यों उठा ले रहे हैं? पुलिस एक कायदे से चलती है, पुलिस का एक एक्ट है, महाराष्ट्र पुलिस का एक एक्ट है, पूरे देश का एक्ट है। तो सर आप बताइए ना, आपको भी तो जानकारी है ना सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्यों ऐसे घुमा टोरा के अभी एक DGP एक CGP बैठे हैं, एक पुलिस के बड़े अफसर जो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, सारी सजा कॉन्स्टिट्यूशन से हटके भावनाओं के आधार पर हो, पुलिस का क्या, जैसे विकास दुबे को मार दिया एनकाउंटर करके बिना अरेस्ट किए हुए, तो मतलब आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े हैं? मुझे पता नहीं था ताहिर हुसैन के साथ साथ आप विकास दुबे के सपोर्ट में भी खड़े हैं। दुबे के एनकाउंटर को गलत मानते हैं, विकास दुबे के पास सबके नाम थे, हर भ्रष्ट BJP के MLA और MP का नाम था।